بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट, अस्सलामुअलैकुम। माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास टू, स्टूडेंट, इन प्रीवियस लेक्चर यूनिट नंबर टू हमने मुकम्मल कर लिया था। स्टूडेंट, हर यूनिट मुकम्मल करने के बाद हमारी एक एक्सरसाइज रह जाती है, वो है रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि जो आपने इस यूनिट में काम किया है या इस पार्ट में आपने काम किया है, पार्ट थ्री मल्टीप्लिकेशन में, उसको उसी के क्वेश्चंस को एक बार फिर से देखना, एक बार फिर से ध्यान करना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। कल हमारा पेज नंबर 77 तक मुकम्मल हो गया था, जिसमें हमारा यूनिट टू का पार्ट थ्री मुकम्मल था। आज हमने उसकी रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। जी स्टूडेंट, पेज नंबर 78 ओपन करें। सबने ओपन कर लिया है। रिव्यू एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन होता है, टेक द करेक्ट ऑप्शंस। आपके पास ऑप्शंस दी हुई हैं, फोर ऑप्शंस दी हुई हैं, जिसमें से आपने एक पे टिक मार्क करना है जो बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, देखिए जी, पहला सवाल क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट लिखा हुआ है 2 + 2 + 2 + 2 = - अब देखिए क्या लिखा हुआ है ए पार्ट में, 2 × 2। क्या स्टूडेंट 2 × 2 लिखा हुआ है? नहीं। फिर लिखा हुआ है 2 × 4। क्या 2 × 4 लिखा हुआ? 2 × 4 लिखा हुआ? नहीं। सी पार्ट है 4 × 2 कि 4 × 2 लिखा हुआ। आप जरा देखिए अपने क्वेश्चन को, 2 × 1 = 2 = 3 = 4 × 2 लिखा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, आंसर क्या हुआ? सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट में 1 का आंसर क्या है? सी, इसमें लिखा हुआ है 4 × 2। ठीक है, 4 × 2। नेक्स्ट देखिए, 3, 6, 9, 12। हमें बच्चों सीक्वेंस पढ़े थे ना, काउंटिंग इन स्टेप्स टू।
हमें नेक्स्ट वैल्यू बतानी है कि क्या आएगी। अब सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि जो आपके पास लिखा हुआ है वो काउंटिंग इन स्टेप्स 2 है, 3 है या 4 है। जी फ्रेंड, 3 में हम क्या प्लस करें जो 6 आएगा। तो यहाँ पे आपको बताया कि मैं जब 3 में 3 प्लस करूंगी तो 6 आएगा, फिर 6 में 3 प्लस किया तो 9, 9 में 3 प्लस किया तो 12, आगे क्या प्लस होगा, 3 ही प्लस होगा। 3 प्लस करें तो 12 में क्या आता है, 12, 13, 14 और 15। प्लीज काम कर। टू पार्ट का आंसर भी क्या है जी, सी है, जहां लिखा हुआ है 15, जिस पे आपने टिक करना। नेक्स्ट देखिए, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू डैश, कि 10 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बताएं क्या आएगा। 10 5 का क्या होता है बच्चों, आप लोगों ने टेबल्स किए हुए हैं ना, 10 1 द 10, 10 2 द 20, 10 3 द 30, 10 4 द 40, 10 5 द 50। तो 3 का आंसर क्या आएगा, डी पार्ट, यहां पे लिखा हुआ है 50। फोर पार्ट देखे, लिखा हुआ है 7 टाइम्स 3, सेवन टाइम्स 3, 7 मल्टीप्लाई बाय 3, टाइम्स की जगह पे हमने क्या लिखना होता है, मल्टीप्लाई। ये बच्चों 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 21। देखिए कौन से पार्ट में 21 लिखा हुआ, डी पार्ट में। नेक्स्ट देखिए, 5 वाला पार्ट है 4, 8, 12, 16, 24। 4 में 4 प्लस करें 8, 8 में 4 प्लस किया 12, 12 में 4 प्लस किया 16, 16 में 4 प्लस करें तो क्या आता है, देखिए 17, 18, 19 और 20। तो यहां पे क्या आएगा, 20 आ जाएगा। 5 वाले पार्ट का भी आंसर क्या है जी, डी है, यहां लिखा हुआ है 20। ठीक है सर, आप लोगों ने ये करना है। आप सब जानते हैं ना कि आपको एमसीक्यूज किस तरह करवाए जाते हैं, कौन से कलर से, ब्लू कलर से करवाए जाते हैं। तो अब आप लोग देख लें, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है पेज नंबर 79 पर। कौन से पेज पर करना है, पेज नंबर 79 पर। 78 मुकम्मल हो गया बच्चों। देखिए क्या लिखा हुआ, काउंट द बलून, बलून्स, काउंट द बलून्स, के यहाँ पे आपने गुब्बारे कितने हैं उनका काउंट करना है और आगे इनको फिल करना है। देखो जी, फर्स्ट ए पार्ट में कितने बने हुए, क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट, Thank you.
जी स्टूडेंट, हमें बताना है टोटल बलून्स कितने हैं। सबसे पहले देखिए कि हर पेयर कितने उन्होंने दिए हुए हैं। फर्स्ट में 1, 2, 3, हर किसी में कितने बलून्स हैं? 3 है। तो हम क्या करेंगे, 3 + 3 + 3 देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह दफा बलून्स बने थे और हमने 6 टाइम्स ही जो है क्या लिखा है, 3 लिखा। इधर क्लियर? आगे देखिए क्या करना बच्चों। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, आगे क्या रहेगा, 6 times 3, 6 × 3, 6 × 3 इधर क्या होता है, 18। ये इसका अर्थ है। कितने बलून्स हैं बच्चों? 18 है। काउंट कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, यही हमारा आंसर है। इधर क्लियर? नेक्स्ट देखिए बी पार्ट में क्या दिया हुआ है। Equals to 16. Is it clear? Next देखिए, देखिए C part में एक टैब में कितने balloons बने हुए हैं? Count करें, 6 बने हुए हैं। और कितने दफा बने हुए हैं balloons? 6, 3 times. Six plus six. कितने टाइम 6 मिनट दिया हुआ? 3 टाइम। थ्री मल्टीप्लाई बाय 6 = 18। ये इसका आंसर है। ओके, डी पार्ट में देखिए कितने दिए हुए बलून्स? 2 दिए हुए हैं। ठीक है, अब आपने डी पार्ट को सॉल्व कर लेना, ऐसे ही है। आप सब जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज नंबर 2 में ये काम किया है। डी आप लोगों ने को सॉल्व करना है, उसमें देखें कितने बलून्स हैं और कितनी दफा बनाए हुए हैं। आपने उनको लिखना है टोटल बलून्स में, फिर टाइम्स में चेंज करना है, देन आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। इधर क्लियर? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, काउंटिंग इन स्टेप्स ऑफ 3। क्या करना है हमने? काउंटिंग इन स्टेप्स ऑफ 3 करना है। जी स्टूडेंट, पहले देखिए उन्होंने बॉक्स में लिखा हुआ है
सर्कल में से 3, 6, 6 में 3 प्लस करें तो क्या आता है 9 फिल करेंगे, 12 में 3 प्लस किया 15, 18, 21, 24, 27, ये आपने फिल करना है, ठीक है। मैंने अंडरलाइन किया जो, तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, फिल करना है। नेक्स्ट देखिए बी पार्ट का लिखा हुआ है, टेन, ट्वेंटी, फोर्टी, बीच में हमें इसको भी फिल करना है। देखिए 10, 20, आगे क्या आ जाएगा 30, 30 में 10 प्लस किया 40, 40 में 10 प्लस किया 50, तो लिखा हुआ 50 में 10 प्लस किया 60, 60 में 10 प्लस करें 70, 80 और 90, ये आपके पास आंसर है। जी स्टूडेंट, हमारा पेज नंबर 79 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर आ जाए, पेज नंबर 80। पेज नंबर 80 पर अब हमने मैचिंग करनी है। पेज नंबर 80 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, नाइन मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 9, 20 स्टूडेंट आपके पास ये लिखी हुई है पेज नंबर 80 पर, इनको हमने सॉल्व करना है सम्स को। स्टूडेंट देखिए इस तरह आपके बुक पे बना हुआ है, जो है आपने एक्टिविटी मुकम्मल करनी है। ये देखिए जो लास्ट पे लिखा हुआ है 10 मल्टीप्लाई बाय 10,
यहाँ आपको नजर नहीं आएगा, इसी वजह से ये जो 9 × 2 ये मैं ऊपर लिखने लगी हूँ, 9 × 2 और 10 × 10 ताकि आपको नजर आ जाए। ठीक है, मैंने नीचे लिखा था, फिर आपको थोड़ा सा नहीं नजर आएगा जी। देखिए क्या लिखा हुआ है, 10 × 10 10 × 10 क्या होता है स्टूडेंट्स, 100। क्या होता है, 100 के साथ आपने मैच कर देना ब्लू कलर के साथ। 9 × 2 9 × 2 = 18 9 × 3 9 × 3 क्या होता है 27 5 × 9 5 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 45 5 × 10 क्या होता है 50 देखिए कहाँ लिखा हुआ है 50 ये लिखा हुआ है इसके साथ मैच कर दे 7 × 5 = 35 6 × 2 = 12 10 × 2 = 20 7 × 3 = 21 कहाँ है 21 ये लिखा 8 × 4 = 32 ठीक है, ये आपने ऐसे मैच कर देना। इधर क्लियर, आपका क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल हो गया। क्या करना है आपने, पहले मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने बलून्स में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, बलून्स में जो डिजिट्स लिखे हुए हैं उनके साथ क्या कर देना है, मैच कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 80 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसे आपने मल्टीप्लाई करना है। पार्ट है 4 × 3 ये हम आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमने इसे सॉल्व करना है। मैंने सारे सवाल पहले इसलिए लिखे ताकि हमें बार बार प्रॉब्लम ना हो। पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, 7 × 2 नीचे वाली वैल्यू को आपने ऊपर वाली वैल्यू के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या आता है, 2 × 7 = 14 क्या आएगा जी, 14 ये देख लिया। नेक्स्ट 4 × 3 किसको हमें मल्टीप्लाई करना है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 3 × 4 = 12 नेक्स्ट देखें 5 × 5 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, 20
5। डी पार्ट में 6 मल्टीप्लाई बाय 24, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 24। 8 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 8 का क्या होता है बच्चों 80। नेक्स्ट लिखा हुआ है 9 मल्टीप्लाई बाय 4, 9 का क्या होता है 36। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 का क्या होता है 2। 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 24। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 18। 1 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है 10। 8 5 जा 40, 9 10 जा 9। आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है आपने सारी वैल्यूज को। चलिए आपका पेज नंबर 80 मुकम्मल हो गया, 81 ओपन कर लें। पेज नंबर क्या है जी 81। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। देयर आर 10 पेंसिल्स इन आ पैकेट, एक पैकेट में 10 पेंसिलें हैं। हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर इन 4 पैकेट्स इन ऑल, बताएं 4 पैकेट्स में कितनी पेंसिल्स होंगी। अरे कितनी दी हुई थी, ये देखें ऐसे बॉक्सेस बने हुए, कितनी पेंसिल थी 10, और कितने बॉक्सेस में देखनी है आपने 4। 10 4 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 40, टोटल कितनी पेंसिल हो गई 40 पेंसिल। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, इन ईच रोज हैज 8 फ्लावर्स, देन हाउ मेनी फ्लावर्स डू 3 रोज़ेस हैव ऑल टुगेदर, बताएं 3 जो है उसमें गमले में कितने फ्लावर्स होंगे। गमला नहीं आया ये, ठीक है देखिए जी, यहाँ क्या आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है 8 मल्टीप्लाई बाय 3, थोड़ा सा ऊपर भी लिखते हैं। एट मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 24। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देयर आर 5 ऑरेंजेस इन अ बास्केट, बास्केट में 5 माल्टे हैं। हाउ मेनी ऑरेंजेस आर देयर इन 7 बास्केट्स इन ऑल, बताएं 7 बास्केट्स में कितने ऑरेंजेस होंगे। अगर 1 में 5 हैं तो 7 में कितने होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 5 oranges और कितनी बास्केट हैं 7, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या रहता है 35। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
There are 7 birds sitting on the branch of a tree. Student, branch कहते हैं शाख। ब्रांच ऑफ अ ट्री के एक शाख दरख्त की शाख पर 7 परिंदे बैठे हैं। फाइंड हाउ मेनी लेग्स दीज बर्ड्स हैव ऑलटुगेदर। क्या बताएं कि इनकी टांगे कितनी हैं? देखिए बेटा, आप जानते हैं कि हर बर्ड की 2 लेग्स होती हैं, ऐसे ही है ना। तो आपने बताना है कि 7 बर्ड्स की कितनी लेग्स होंगी। तो आप किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? पहले 7 बर्ड्स लिखा रहेगा, मल्टीप्लाई बाय कितनी लेग्स होती हैं? 2 ईच बर्ड। 7 × 2 का क्या होता है? 14। ये इसका आंसर। कितनी लेग्स हुई? 14 लेग्स। इज इट क्लियर जी स्टूडेंट? हमारा पेज नंबर 81 कंप्लीट हो गया। अब आपका पार्ट 3 मल्टीप्लीकेशन रिव्यू एक्सरसाइज के साथ मुकम्मल हो चुका है। आप सबने इसे बुक पे भी सॉल्व करना है और अपनी समर वेकेशन की कॉपी पे भी लिखना है। आप सब अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मैं इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।